हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अभी हमको लाहौर लिए चैनल कादरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खून किया है, आईन का खून किया है, अदल और इंसाफ का खुद खून किया है, इदारों का खून किया है, आईन की बालादस्ती का खून किया है, कानून की हुक्मरानी का खून किया है, निहत्ते मासूम इंसानों का खून किया है, इस मुल्क में लोगों के रोजगार का खून किया है, लोगों की तालीम का खून किया है, लोगों की सेहत का खून किया है, पूरी सोसाइटी का, उनकी कदरों का, उनके मेरिट्स का खून किया है, उम्र भर खून ही खून किए हैं। और आज वो अदलिया की हुरमत का खून करने पर आ गए हैं सिर्फ इसलिए कि उनके खिलाफ फैसला आया है, या फैसले उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आ रहे, या उनकी टेलीफोन कॉल्स को अटेंड करके उनके हुक्म की तामील करने वाले लोग नहीं रहे, वो परेशान हो गए कि आज उनकी टेलीफोन कॉल्स का रिस्पांस नहीं हो रहा और उनकी डिक्टेशन के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे, और नतीजतन वो पाकिस्तान के आईन के मुताबिक एक बगावत का माहौल है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो रियासती इदारों के तहफ्फुज की उन्होंने कसम खा रखी है, हल्क उठा रखा है, उसका एहतराम करें, उसकी हिफाजत करें। और मैं यहां चंद इंतहाई अहम सवाल करना चाहता हूं। मैं गुफ्तगू के एंड पर मैं एक अहम ऐलान करूंगा, आज आप इंतजार कीजिए। इन्होंने सानिया मॉडल टाउन में 14 बेगुनाह इंसानों की लाशें गिराकर और 90 से जायद लोगों के जिस्मों को गोलियों से छलनी करके यह समझा है कि अब इस खून पर इंसाफ लेने वाला कोई नहीं। इन्होंने सानिया मॉरल टाउन में इंसानियत के कत्लेआम के मसले को नॉन सीरियस ले रखा, 3.5 साल से इंसाफ का दरवाजा बंद कर रखा, रास्ते मसदूद कर रखे। आज इस गुफ्तगू के एंड में, मैं अपनी ब्रीफिंग के एंड में शायद उनको एक मोहलत का ऐलान कर दूं, एक टाइम का ऐलान कर दूं। मैं बरमला कहूंगा, हम सानिया मॉडल टाउन के इंसाफ में गैर जरूरी ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मैं इसके लिए शायद एक टाइम फ्रेम देके उठूंगा इस चेयर से, और अगले अमल की तरफ मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछता हूं और नवाज शरीफ साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब वजीर 2014-17 जून को नहीं थे और आज तक नहीं है? क्या चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू होम मिनिस्टर, ये सारे वजीर आला पंजाब के डायरेक्ट अंडर नहीं है? क्या 16 जून को होने वाली मीटिंग में ये सब वजीर आला पंजाब की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे, जिसको चेयर कर रहे थे राणा सनाउल्लाह? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि शहबाज शरीफ उस वक्त भी होम मिनिस्टर थे और अब भी पंजाब के होम मिनिस्टर वो खुद हैं? इस लिहाज से होम सेक्रेटरी भी उनके अंडर है, आईजी भी उनके अंडर है, डीआईजी ऑपरेशन भी उनके अंडर है और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उनके डायरेक्टर। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि इन आला अफसरान के और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान अहकामात को पास ऑन करने और हिदायत को लेने और तामील करने में कोई और शख्स हायल नहीं है? ये डायरेक्ट उनके साथ कनेक्टेड थे, कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड रहते हैं। और जवाब दें, क्या राणा सनाउल्लाह साहब शहबाज शरीफ साहब के वजीर कानून नहीं है? क्या उनके दायरे इख्तियार से बाहर हैं? अगर ये सब कुछ दुरुस्त है तो
तो 16 जून 2014 की मीटिंग जिसमें मॉडल टाउन के कत्लेआम का फैसला किया गया और मुल्ला साहब ने कहा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की आमद जो 23 जून को हो रही है वो आके अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के हुसूल के लिए हतमी तौर पर कोई मौका उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात जस्टिस बाकर नजवी कमीशन की रिपोर्ट के पेज नंबर 61 पे लिखी हुई है। ऑर्डर दिया कि उनको ऑब्जेक्टिव हासिल करने मौका नहीं मिलना चाहिए और आगे जाके रिपोर्ट ने लिखा है हां इस टारगेट को अचीव करने के लिए जितनी लाशें गिरानी पड़े गिरा दें। ये कमांड था, ये सब कुछ दुरुस्त है। तो मुझे जवाब दीजिए शहबाज शरीफ साहब, आप अपने आप को इतने बड़े घनौने फैसले और उसकी तामील के अमल से खुद को किस तरह बेइल्म और बेखबर और गैर जिम्मेदार किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं? आप इस जिम्मेदारी से किस तरह, आपकी मीटिंग में 23 जून को मेरी आमद डिस्कस हुई है 16 जून को रिकॉर्ड पर और उसमें डिस्कस हुआ है इस्लामाबाद से लाहौर का लॉन्ग मार्च, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपने 23 जून को इस्लामाबाद पुलिस को भेजना था या 16-17 जून की रात मॉडल टाउन भेजना था? आप डिस्कस कर रहे हैं 23 जून की मेरी आमद पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होनी थी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पैदा 23 जून को। आप हजारों की तादाद में नफरी भेज रहे हैं 16-17 जून की दरमियानी रात मॉडल टाउन में, बोलिए उस फैसले और आपके अमल में आपस में क्या ताल्लुक है? और जवाब दीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की मीटिंग कर रहे हैं तो 17 जून की लाशें गिराकर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो रहा है या लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है इस मुल्क में? मैं जवाब पूछता हूं, मुझे रियासत जवाब दे, इदारे जवाब दे, नवाज शरीफ साहब इदारे जवाब दे जो आईनी तौर पर इस मुल्क के बागी हो चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब जवाब दे। और क्या यह बात दुरुस्त नहीं है कि नजवी कमीशन रिपोर्ट के सफा नंबर 5 और 6 और सफा नंबर 61 को मिला के पढ़िए, जी पंजाब मुश्ताक सुखेरा साहब और एसपी इन्वेस्टिगेशन का बयान है कि इस ऑपरेशन के लिए हमने पुलिस की गाजी कंपनी भेजी, हैदर कंपनी भेजी, टीपू कंपनी भेजी। मैं आपको कमीशन रिपोर्ट बता रहा हूं पेज 5, 6 और 1, QRF 1 उनको भेजा, QRF 18 को भेजा, जनरल गार्ड को भेजा। यह सलाम है जस्टिस बाकर नजवी को जिसने आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा के मुंह से यह निकलवाया, उगलवाया, उनका स्टेटमेंट है और एसपी इन्वेस्टिगेशन का स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड इलीट फोर्स को भेजा, जनरल गार्ड कोर्स 2 को भेजा, रिजर्व 1 को भेजा, रिजर्व 3 को भेजा और इन सारी फोर्सेस के अलावा 13 से जायद पुलिस स्टेशन की नफरी को भेजा। ये जस्टिस बाकर नजवी कमीशन की रिपोर्ट है, पढ़ा रहा हूं पेज 5, पेज 6 एंड पेज 61। और उसके बाद वो लिखते हैं कि इसको फिर एक डीआईजी ऑपरेशन हेड कर रहा था, 7 SP थे, लाहौर के SHO थे, 7 DSP थे और इसके अलावा फोर्सेस थी। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या पाकिस्तान की तारीख में किसी रिहायशी इलाके की सड़क की एनक्रोचमेंट हटाने के लिए इतनी बड़ी रियासती ताकत कहीं मुतय्यन की गई है? 70 साल के अंदर कभी ऐसा ऑपरेशन हुआ? ये ऑपरेशन के एनक्रोचमेंट्स का ऑपरेशन नहीं था, ये इंसानी लाशें गिराने का, ब्लड बाथ का, खून की होली का ऑपरेशन था। जवाब दें, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? शरीफ आपको कहते हुए शर्म नहीं आती कि मुझे पता चला 9:30 बजे और मुझे खबर ही नहीं थी? आपके अफसरान, आपके बातहत, आपके सेक्रेटरी, आपके चीफ सेक्रेटरी, आपका मिनिस्टर लॉ, आपकी पूरी गवर्नमेंट 16 जून को फैसला कर रही है इस कत्लो गारत गरी का। आप अगले दिन कहते मुझे, आपको पता चल जाएगा, चंद दिनों की बात है, आपके जिन्नों को भी पता चल जाएगा
कि आपको खबर थी या नहीं थी, और फिर आप कहते हैं कि मैंने डिसएंगेजमेंट का ऑर्डर दिया। मुझे सवाल का जवाब दे, मैं आपसे केस रख रहा हूं। आपने डिसएंगेजमेंट के ऑर्डर को रद्द कर दिया है। जस्टिस बाकर नदवी कमीशन ने, वो कहते हैं कथित तौर पर ने डिसएंगेज होने का पुलिस को ऑर्डर पास नहीं किया कैटेगोरिकली। अगर एक लम्हे के लिए आपकी बात मान लें, आप चीफ मिनिस्टर हैं, यह माना जा सकता है आपने पुलिस को डिसएंगेज करने का हुक्म दिया और 9:30 बजे और लाशें गिरी हैं 11 बजे से 12 बजे के दरमियान, उसके 3.5 घंटे के बाद, तो आपके लॉ मिनिस्टर ने आपका हुक्म, क्या यह तस्लीम कर लिया जाए कि आपके आईजी पंजाब ने आपका हुक्म नहीं माना? क्या यह तस्लीम कर दिया जाए कि आपके होम सेक्रेटरी ने ऑर्डर की तामील नहीं करवाई? क्या यह मान लिया जाए कि आपकी ऑपरेशन ने तामील नहीं करवाई? सबने नाफरमानी की और स्टिल वो अपने मनसब पर फायज है। कोई शख्स जेल में नहीं, कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई डिसमिस नहीं हुआ, कोई सजा नहीं भुगत रहा। आपने अपने बाजुओं के नीचे सबको तरक्कियां भी दी हैं, उनकी हिफाजत भी की है, आला उद्योगों पर फायर किया। इसका मतलब है आप सबको पता है कि आपने डिसएंगेज करने को नहीं कहा, आपने ही एंगेज किया था पुलिस को और आपने कत्लेआम का हुक्म दिया था। आपको इस कत्लेआम का बदला देना होगा। साहब और नवाज शरीफ साहब सुन लें, चंद दिनों की बात है, अभी मैं ऐलान करने वाला हूं, आज ऐलान करता हूं, चंद दिनों की बात है। आप इंशाअल्लाह घसीटे जाएंगे, शहीदों का बदला देना होगा, 100 लोगों को गोलियों से छलनी करने का बदला देना होगा। अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिर कादरी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका कहना था, और खासतौर पर आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस बाकर नजफी रिपोर्ट के मुतालिक एक बार फिर उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आखिर में